देखिए, द क्वेश्चन इज द सम ऑफ द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। सबसे पहले एक चीज इस क्वेश्चन में देखिए आपका नाम, देखो दस बार ऊपर की बात मैं नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले उसने बोला है आपका नाम, देखो दस बार टू फाइंड आउट सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये मैंने इसलिए लिखा, इसमें ना तो टोटल सरफेस एरिया लिखा हुआ है और ना लेटरल सरफेस एरिया लिखा हुआ है। तो जब भी क्वेश्चन में आपका ना ओनली ही हैज रिटन, ही आपका ना द बुक हैज रिटन कि सरफेस एरिया, इसको मान करके चलेगा कि ये टोटल सरफेस एरिया। इन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द टोटल सरफेस एरिया? नाउ तो इसका था ये, तो डीआर फोर आपका ये टोटल सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया इसे करो, आपने बोला टू लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ, ये आपको फाइंड आउट करना है। हम इस तो कई बच्चे ये क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम भी होती, उनका मैं तो आज पेपर फाड़ के आ गया, अभी क्या कर दूं पेपर तो वैसे ही फट गया। तू पूछोगे क्या किया, मैंने तो कर्व सरफेस एरिया निकाला, मैंने लेटरल, तो लेटरल नहीं निकालेंगे आपका, ओनली सरफेस एरिया जब लिखा होगा तो टोटल सरफेस एरिया यू हैव टू फाइंड आउट। क्लियर हो गया? फाइन, जैसे इस क्वेश्चन में पहली चीज तो ये। अब आपका दो, नाउ आई एम कमिंग टू द, ये तो मैंने इसलिए कि कभी कभी दिमाग से स्किप कर जाता है, तो ये आपका नाम लास्ट में मैं बताता ही, लेकिन मैंने लिखा था। अब आप पहले आइए नाउ दिस द फिगर, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू रेक्टेंगल्स को जब आप मिला देंगे तो दैट इज ऑल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर प्लान, ए बी सी डी ई एफ जी एच आप लिख सकते हैं, जी एच आई जे, नहीं तो वेस्ट मत करिएगा, बाहर जरूर लिखिएगा, नेमिंग होनी चाहिए। लेंथ देखो ये आपका ये है, ब्रेथ आपकी ये है और हाइट आपकी ये है, एंड दीज ऑल थ्री आर अननोन क्वांटिटी, ना तो लेंथ ही दिया है, ना तो हाइट ही दिया है, ना तो ब्रेथ ही दिया आपका ना, देखो तो अननोन क्वांटिटी है इसमें आपका, देखो तीनों ही अननोन क्वांटिटी आपका, देखो लेंथ ब्रेथ और हाइट आर अननोन क्वांटिटी। सबसे पहली बात तो ये होगी, ठीक हो गया सर? अब ये तो हमारा हो गया, अब आपका देखो ना इसी में गिवन में आपका नाम देखो जैसे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये द थर्ड कैलकुलेशन जहां से स्टार्ट होगी कैलकुलेशन, तो आपका देखो ना गिवन में आपका क्या लिखा हुआ, देखो आपका ना स्टेटमेंट को एज इट इज फर्स्ट यू टाइप इट, आप इसको लिखिए ना, देखो द सम ऑफ लेंथ एल ई एन जी विड्थ एंड हाइट इज इक्वल टू आपका कितना है, दैट इज 19 सेंटीमीटर गिवन में, इसका मतलब एल प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 19। ये देखिए इज इट क्लियर हो गया? दूसरा जो गिवन स्टेटमेंट फिर आपका देखिएगा ना, अगेन द गिवन स्टेटमेंट इज दियर, इसने क्या बोला है देखो, इफ आई ज्वाइन दिस वन, तो ये आपको डायगोनल आपका नाम बेसिकली दिस इज द डायगोनल, ये डायगोनल डी आई ए लिखा मैंने, देखो दिस इज द डी आई ए। उसने व्हाट ही इज सेइंग दैट इन दिस क्वेश्चन कि ना एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, ये देखो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ दिस क्यूबॉइड इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ये देखिए इसका डायगोनल का मतलब देखो आपका डी, जो आप एडी देख रहे हैं आपका नाम देखो दिस डी आपका डी इज इक्वल टू डायगोनल इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो डायगोनल का जो बेसिकली आपका नाम
आप फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए आपका नाम एग्जैक्टली डी का मतलब आपका नाम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू आपका 11 हो गया। लेंथ ऑफ डायगोनल डी इज इक्वल टू अब यहां पे दो चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। एक तो देखो ना, योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू रिमूव द स्क्वायर रूट। जब तक आप स्क्वायर रूट को आप हटाएंगे नहीं, रिमूव नहीं करेंगे, यू कांट एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर व्हाटएवर दैट इज ओके इनसाइड द रेडिकल साइन, दैट इज रेडिकल साइन इज योर स्क्वायर रूट ओनली। आपकी तबीयत खराब है सर, बुखार तो फिर बड़ी क्या बात, मुझे ऐसा लग रहा है तो मैंने इसलिए पूछा, या मम्मी ने मारा पापा ने मारा तो फिर आजकल मम्मियाँ तो मम्मियों की जय हो, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स उनके हाथ में तो जो ही मिल जाए, झाड़ू मिल जाए, बेलन मिल जाए, स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो आपका इसका मतलब समझ रहे हैं। ये देखिए अब आप बड़े बच्चे हैं, देखो ये देखिएगा सर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, देखो इसका दो चीजें आपका देखो एक स्क्वायर रूट है आपका देखो ना ए और इसका देखो आपका स्क्वायर, इसके दो पर्पज यहां पे सॉल्व होते हैं। देखिए आपका इधर देखिएगा ना देखो ए इसका होता है दिस बेस, ये देखो आपका दिस बेस बेस इज इक्वल टू आपका जो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, देखो आपका एन देखो आपका ना एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट इज इक्वल टू आपका देखो टू, एक्सपोनेंट का होता है पावर इंडाइसिस डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ इस बेस को आप बेस इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द पावर, तो देखो ना इसका मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को यू हैव टू राइट टू टाइम्स, स्क्वायर है दो बार लिख दिया और स्क्वायर रूट में आपका क्या होता है ये पेयर से बाहर एक आ जाएगा और ये आपका ना दिस स्क्वायर रूट विल बी रिमूव फ्रॉम यू, एक तो ये और एक जो हायर क्लासेस में आपका बताते हैं हमका जनरली आपका हायर क्लासेस में हम कहते हैं इसको देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का देखो ए स्क्वायर रूट है, तो देखो ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये देखिए इसका तो स्क्वायर रूट ही आपका नहीं है स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है कन्वर्ट जब हो जाएगा वन बाई टू में, क्यूब रूट होगा होगा ए क्यूब रूट होगा तो देखो ये 1 बाई 3 में हो जाएगा, अगर फोर्थ रूट होगा तो देखो 1 बाई 4 में हो जाएगा, अगर ये फिफ्थ रूट होगा तो आपका देखो 1 बाई 5 में, तो हमेशा पहले आपका स्क्वायर रूट होता इसमें आपका 2 लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर रूट होता तो देखो अब आपका देखो इफ एनी नंबर विच हैज ए पावर एम एंड इट हैज ऑल्सो द पावर एम यानी कि थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, देखो थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट x की पावर m हैज द पावर m द पावर आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर आपका देखो तो देखो ये पावर से पावर कैंसिल तो देखो क्या ना l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये छोटी छोटी चीजें अगर आप देखेंगे कि आपका ना कैसे होता है तो आपको ये पता लग जाएगा। तो देखो अब यहां से स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया आपके सामने, आइदर यू कैन राइट दिस l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर according to this power which is 2 twice दो बार 2 twice इधर। अब आप में से कई बच्चे हो सकते हैं यार ये तो समझ में नहीं है, समझ में क्या देखो इधर आप यहाँ देखो कौन है जो ए ए 4 ए देखो ये 4 का स्क्वायर है या आपने कहा ये 2 का स्क्वायर है, देखो 2 का स्क्वायर तो 2 स्क्वायर का देखो इसका मतलब बेस बेस इज आपका देखो टू और पावर इज टू तो बेस इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द पावर, देखो टू को टू टाइम्स लिखो टू को टू टाइम्स लिखो और टू टू जो फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है टू ही होता है ना, तो आपका इसलिए आपका एक वैल्यू आपके सिंगल वैल्यू आ जाती है तो देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 121 आपका देखो दिस इज द
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू आपके देख रहा 121 आ गया। अब देखो इक्वेशन नंबर वन को देखिए। इक्वेशन नंबर वन क्या है? एल प्लस बी प्लस एच इक्वल टू आपका देखो 19। तो यहां पर स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स यहां भी कर दीजिएगा। तो एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 19 का स्क्वायर। अब यहां देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? डू यू नो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला? अरे सारा सूपड़ा साफ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी। ये देखिए वेर यहां पे ए इज इक्वल टू आपका एल है, B is equal to यहां पे आपका देखो ना B है और C is equal to आपका देखो ना H है। A plus B plus C का ना L plus B plus देखो L plus B plus H। ये देखिए तो आप करो L square plus B square plus H square plus 2 into L into B। A square plus B square plus C square देखो A plus B plus C का होल स्क्वायर A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC प्लस टू सी इक्वल टू 19 का स्क्वायर आपका कितना हो गया? 361। 19 का स्क्वायर। अब आपका देखो ये आपकी हो गई 50%। नाउ ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी ये देखो आपका यहां पे फॉर्मूला यहां लिख दिया। देखो आपका ये पूरा देखो आपका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ मैंने। अब आपका नाम देखो दिस तो ये आपका दिस नाम सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू आपका नाम 121 इन इक्वेशन नंबर अपना दो 5 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू 121 प्लस 2 एल बी प्लस 2 बी एच और प्लस 2 एच एल इज इक्वल 361। ये आपका देखो तो 2 एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल 361 माइनस 121 ओटी में आ गया ऑन ट्रांसपोजिंग। प्लस इज कमिंग ऑन द राइट हैंड साइड सो इट्स साइन विल बी चेंज। देखो 222 कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन लेफ्ट हैंड साइड में, 2 कॉमन लेफ्ट हैंड साइड में एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल इक्वल टू नाउ 1 आपका 4 2 तो देखो दिस 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर देखते हैं तो दिस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू उसको क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया। इसी को टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? देखो 2 इंटू यही निकालना था आपका 2 × LB + BH इक्वल टू आपका देखा दिस 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। This was your answer. Clear? Do it please. बताइए ये क्वेश्चन कहीं पे कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? ये एक्चुअल में ऐसे ही क्वेश्चन आपकी रेंज में होने चाहिए। खाली एनसीईआरटी एनसीईआरटी बेस पे जाकर के आपका नाम सिर्फ आप पास हो सकते हैं, मैं रोज कह रहा हूं। और ये आप कितना गंद मचा रखा आपके स्कूल टीचर्स ने, ये देख लीजिए बगल में। लोग कहते हैं लड़कियां, मैं मेरी भी खुद की बेटी है,
मैं लड़कियों को गंदा नहीं कर रहा, लेकिन आप रोज का देख लीजिएगा, आप तो छोटे बच्चे हैं अभी, आप 9th के बच्चे हैं, आपके पास 10th आना, फिर 11th आना, फिर 12th आना, ये रोज का देखो इनका माहौल। ये स्कूल टीचर्स हैं यहाँ पर, तो जो अपने बच्चों को तमीज नहीं सिखा सकते, इसका मतलब खाली पैसा कमाने के लिए मशीन है। तो ये आपके 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 पेरेंट्स को ही किक आउट करना चाहिए ना, इनको लात मारनी चाहिए इनको। तो मैं ऐसी लैंग्वेज क्यों यूज कर रहा हूं, इन लोगों ने स्कूल में पढ़ाना नहीं है। इधर हम जैसे जो बेचारे जो थोड़ा सा हम अपना बिजनेस करने की सोच रहे हैं, हमें हमारे भी दिक्कत है हमें। तो आपके माँ बाप को मारनी पड़ेगी लात स्कूलों में जाकर के इनको, कि तुम पढ़ाते क्या हो स्कूल में। और लड़कियां देखो सबसे ज्यादा चक्कलतबाजी कर रही है, देखो बाहर वेरी सैड, बड़े शर्म की बात है। एडमिनिस्ट्रेटर साला कहां सोया हुआ है, CBSE कहता था हमने तो इनको दिया ही नहीं है, तो CBSE ने जब नहीं दिया है इनको अप्रोच की ट्यूशन पढ़ाओ, तो ये कैसे पढ़ा रहे। और ये फिर कौन से बच्चे होंगे ये जो कि इनके साले बदतमीजी करते हैं रोज सुबह से शाम तक। आज देख रहे हैं आप सौरभ जोशी का, आज देखिए कितना ट्रोल कर दिया है। क्या बोला सौरभ जोशी के स्टेटमेंट क्या है, इतना बड़ा ब्लॉगर बन गया, आपने करोड़ों रुपए कमाए, क्या लिखा है उसने आज का पता है। DIG साहब ने उसको बुलाया कि आप लोगों में बहुत पॉपुलर हो गए उत्तरांचल में, बच्चों के लिए आपका नाम, आप ब्लॉगर बनाते हैं, ऐसे ब्लॉगर का भी क्या करना। आज मेरी मम्मी ने चुड़कानी बनाई, उसको तो आप लाइक कर दे रहे। मैं सारा सुबह से शाम तक आपको पढ़ा रहा, हमें ना तो लाइक है ना कमेंट्स है ना सब्सक्राइबर, आप लोगों को ऐसे लोग चाहिए। क्या बोला उसने, मेरी वजह से लोगों को उत्तरांचल में एक पहचान मिली, मेरी वजह से हल्द्वानी में पहचान। अरे कल का छोरे, तू कल का आया हुआ साले, एक साल पहले हल्द्वानी को, हल्द्वानी का मतलब क्या है, हल्दी, हल्दू चौड़, यहां हल्दी होती थी, दैट्स व्हाई आपका ना हल्द्वानी का मतलब, हल्दी का बहुत ज्यादा खेती थी यहां पुराने। मतलब कल का बच्चा है, एक साल पहले आया है इस हल्द्वानी में लॉकडाउन में, तभी तो मैंने कहा लॉकडाउन में कुछ लोग बड़े पॉपुलर हो गए, और हम आज भी सफर कर रहे हैं साले ईमानदारी में। कितना ट्रॉल हो गया। आज मैं देख रहा था कि हमारे जितने भी सीनियर्स हैं नैनीताल के सारे पड़े हुए, बोला साले को निकालो निकालो, इसकी सब्सक्रिप्शन खत्म करो। मतलब एक आदमी कल का बच्चा आकर के साला एक साल पहले आप हल्द्वानी में आ रहे हो, यहाँ के लोगों ने आपको इतना प्यार इतनी मोहब्बत दी, इतनी प्यार मोहब्बत हमें दो ना जो हम पढ़ा रहे हैं आपके बच्चे को, क्यों देना इन स्कूल टीचर्स को, क्यों दे रहे हो आप। अगर ये पढ़ा रहे होते तो क्यों यहाँ ये बिजनेस ट्रिपिंग बिजनेस बना दिया, एज पर द गाइडेंस द गाइडलाइंस द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आप बिजनेस कर रहे हो साले। ताजो की बात ये देखिए ना, वेरी सैड। CBSE सोया, आप लोगों के स्कूल टीचर्स सोए, आप लोगों के स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, आपके नेता अनपढ़ जाहिल गंवार सोए हुए हैं। तो ये थ्रीपिंग बिजनेस इसलिए बना रखा है। हरगोबिंद सुयाल के जस्ट गेट के पास देखो, वर्मा भाई साहब के मकान पे देखो, सारे हरगोबिंद सुयाल। उस अंधे को प्रिंसिपल को नहीं दिख रहा होगा, अंधा है वो, कि मेरे स्कूल के टीचर यहां पे बिजनेस कर रहे। उसको पता नहीं कि किसी दिन दीपक रावत सर ने छापा मार दिया, 6 महीने की जेल हो जाएगी, 3 लाख रुपए की पेनल्टी पड़ जाएगी। कितने निडर हुए हैं आपके, आप लोग के स्कूल। अबे इतना पढ़ा लेते आज बच्चों की जिंदगी बनती। एनी हाउ ये मेरे को इसलिए बोलना पड़ता है इस नेशनल लेवल में जाकर के, आज नहीं कल जाएगा, आज नहीं सुनेगा कोई कल सुनेगा। इतने बेमान इतने निकम्मे स्कूल टीचर हो गए हैं आपके कि उनको सालों को ट्यूशन पढ़ाना पड़ रहा है बात को। शर्म भी नहीं आती, मतलब कैसे हाईली एजुकेटेड लोग हैं आप, कैसा मास आप जनरेट करेंगे। द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशियंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 7.375 meters square, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 centimeter, 10 centimeter, 7.5 centimeter कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। NCERT का क्वेश्चन है। अब आपका मेरा गुस्सा बस इसलिए होता कि अपना काम हम जब ईमानदारी के साथ नहीं करते तो हमारा बच्चा आगे जाकर के वो भी ईमानदार नहीं होगा, वो भी बेईमानी होगा। मास्टर बेईमान होगा तो 101%। उन एक दो बच्चों को छोड़ दीजिए एक्सेप्शन केस, वो हर स्कूल में हर शहर में, जो देश की इकोनॉमी, जो देश के ग्रोथ, जो देश के
आज जयशंकर सर को देखिए आप, जो आपके विदेश मंत्री हैं उनको देखो, अमेरिका जैसे रूस जैसे कंट्रीज की फटती है उनको देख करके। ऐसे लोग बिरले होते ना, ये इनको नहीं दिखता है, मतलब इनको इतना डर नहीं है, इनको ये नहीं कि बगल में रावत सर भी है, शर्म नहीं आती कि रावत सर अभी जाकर के दीपक रावत सर के पास चले आएंगे, भाई साहब जरा मारो छापा, तो हम तुरंत जेल की सलाखों के पीछे होंगे, 3 लाख रुपए की पेनल्टी, स्कूल में ताला लगने की नौबत आ सकती है। ये एक अगर हमने हल्द्वानी से ये कर दिया ना शुरुआत, तो फिर नेशनल वाइड जाएगा ये मैसेज, नेशनल वाइड, हल्द्वानी में सारे स्कूल टीचर के ट्यूशन सेंटर खत्म। मजाक बना दिया साले स्कूल टीचर, मजाक। सर्टिन कंटेनर, यहीं से पता लग जाएगा, देखो ब्रिक है, तो ब्रिक का मतलब आपका ना, देखो ब्रिक्स का मतलब जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है, इसका मतलब क्यूबॉइड शेप होता है। नाउ ब्रिक इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। तो मेरे जैसे ईमानदार आदमी को बहुत ज्यादा परेशानी है साले, मैं तो मुझे लग रहा मुझे कुछ करना चाहिए, फिर होता है यार छोड़ो कोई बात नहीं, कब कभी सुधरेंगे टीचर, नहीं सुधरेंगे। जिसकी जैसी फितरत होती ना सारा बिच्छू का स्वभाव सारा, ये साले वैसे हो गए, अब इनसे बड़ा हमें बिच्छू बनना पड़ेगा, ये हमारे ढंग से ये मरते रहेंगे। लेंथ जो आपका देखो 22.5 सेंटीमीटर, आपका ना देखो दिस इज ब्रेथ इज इक्वल आपका ना देखो दिस 10 सेंटीमीटर आपका देखो ना, उसके बाद हाइट आपका देखो हाइट इज इक्वल आपका ना 7.5 सेंटीमीटर आपका देखो। पहली चीज है, देन मैंने क्या कहा था, जब भी व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, आप सबसे पहले उनकी डायमेंशंस को देखिएगा। नाउ देखो एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर, जबकि ब्रिक के डायमेंशन आपकी सेंटीमीटर्स में है, सो आइदर यू कैन चेंज द डायमेंशन ऑफ ब्रिक सेंटीमीटर इनटू मीटर, और दैट मीटर स्क्वायर कैन बी चेंज इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए कल मैंने बिल्कुल आपको अगर मेजरमेंट आपने देखी होगी वो मेजरमेंट आपको याद रखें, 12 ये आपका देखो ना, और इसमें आपका ना देखो 10 sufficient to paint an area equal to आपका नाम देखो this area of brick। ध्यान से नहीं आएगा मुझे जरूर पूछ एरिया ऑफ ब्रिक टू बी पेंटिंग, जिसको आपने पेंट करना है आपका नाम देखो वो कितना है 9 देखेगा देना। और इन सवालों की एक बात मैं खास आपको बता दूं कि ये जो एरियाज दिए होते हैं ना, ये एरिया जो दिए होते हैं ना, जब आप इन लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही रकम आएगी, यही फिगर आएगी, डेसिमल में भी शिफ्टेड आइदर एनी वेयर आपका नाउ दैट्स, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 9375 तो आना ही आना है। इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, अभी मैंने नहीं किया आप करके देखिए तो याद रखिएगा। तो समझ रहे हैं मेरी बात, एसेट के लिए तो देखो अब इसका मतलब देखो ट्रांजेक्शन कर दी हमने, वन मीटर इज इक्वल टू आपका देखो 100 सेंटीमीटर आपका हो गया, तो देखो तो 1 स्क्वायर इक्वल टू आपका देखो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इक्वल टू ये देखो आपका 100 × 100 हो गया आपका ना देखो दिस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको जब कॉमन करेंगे तो देखो 2 जीरोस का ट्वाइस करेंगे तो 4 जीरोस आपका हो जाएंगे और आपका नाम देखो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर में आपका नाम 10,000 आपका नाम सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कोई शक है तो बताइएगा प्लीज।
ठीक है। अब देखो नाउ दिस इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड, नाउ देखो दिस 9.375 एंड दिस मीटर स्क्वायर, इधर पुत्री मीटर स्क्वायर देखो सेंटीमीटर में, अभी आपका बुखार मेरे को लग रहा है ठीक नहीं हुआ आपका नाम, तो देखो अब डेसिमल के बाद देखो यहाँ मैं कहीं आज तक मैंने देखो मैं बच्चे किसी को बोलो ये आपके साथ नहीं प्रॉब्लम है, कोरोना के बाद तो और ज्यादा प्रॉब्लम आई है, कोरोना के बाद ये ऑनलाइन 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 करके आप लोगों को इतना खत्म कर दिया आपके स्कूल टीचर ने, और रही सही कसर इन ट्यूशन सेंटर्स ने आ करके बर्बाद कर दिया आप लोगों को। कई बच्चों को देखो आप मल्टीप्लाई करते हैं आपका देखो ना, अभी भी बच्चों को ये ऐसे मल्टीप्लाई 0.5 जा 0 फिर 0.7 जा 0 0.3 जा और फिर उसके बाद अरे भाई सीधा सीधा पट्टे 9.375 1 जा 9.375 और 1 2 3 4 आपका जीरो पहले लगा दो और डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेज है 3 तो 1 2 3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका ना, तो 9.375 0 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया ऑफ ब्रिक आपका ना देखो दिस इज टू बी पेंटेड टू बी पेंटेड ये आपका आ गया। Why you have done this? Because your dimension of the brick is in your centimeters. That's why this area was converted from meter squares to the centimeter squares. Are you going getting my points? Clear? तो ये आपका हो गया देखो आपका ना जी कुछ पूछेंगे ठीक है पक्का ठीक हो गया तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर मार गया। अब आपका आइए आपको क्या कह रहा है हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन है नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी कोई बात नहीं तो आपका ना इसका मतलब अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा इसका टोटल सरफेस एरिया याद रखिएगा टोटल सरफेस एरिया तो नाम देखो सेकंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक क्यूबॉइड की फॉर्म पे होती इसका फॉर्मूला आप मुझे बता सकते हैं टोटल सरफेस एरिया का टू इंटू LB प्लस BH और प्लस HL दैट्स फाइन बिल्कुल बोलना सीखो नहीं तो ये दुनिया बड़ी जाली में 22.5 इंटू ब्रेथ इज आपका 10 प्लस 10 इंटू हाइट इज 7.5 और प्लस हाइट इज 7.5 इंटू 22.5। अब यहां पे भी आपको एक सलाह देखो ये तो इजीली आपका हो जाएगा देखो ना देखो जो 10 के साथ मल्टीप्लाई होंगे ना वो फिगर तो देखो 25 आपका डेसिमल के बाद एक जीरो ये देखो आपका ये खत्म हो गया ना दो ये 75 10 जा 75 डेसिमल के बाद आपका देखो ये तो आप इसको ये कोई जरूरी नहीं है इसको डेसिमल 225 आपका देखो दिस 225 प्लस 75 और इन दोनों को 5 5 22 7 ब्यूटीफुल 168.75। अब आपका ना दो इसको ऐड कर दो 225 प्लस 75 इज 300 तो आपका 300 मींस कितना 468.75 और फिर इसको 2 से देखो 4 2 8 9 3 7 are you sure ब्यूटिफुल सो नाइस ऑफ यू। तो देखो आपका ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ आपका देखो ना ब्रिक आ गया बिल्कुल अपना काम ईमानदारी से करिए आपको कहे तो देखो अब क्या क्या लिखा हुआ आपका व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी ब्रिक्स कितने ब्रिक्स को हमने पेंट करेंगे आपका तो नाम इसका मतलब आपको निकालना है हाउ मेनी का मतलब नंबर ऑफ ब्रिक्स तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू देखो एरिया ऑफ ब्रिक एरिया ऑफ ब्रिक्स टू बी पेंटेड ओवर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक एग्जैक्टली ऑफ वन ब्रिक लिख दीजिएगा ऑफ वन ब्रिक इक्वल टू ये आपका कितना है 9.375 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर दिस 9.375 सेंटीमीटर स्क्वायर से तो पहले सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया इसका जो अब आप 9.375 और डेसिमल के बाद एक आपका जीरो और लग जाएगा एंड नाउ दिस 9.375 डेसिमल आप देखो फॉर रिमूविंग दिस डेसिमल यहां से हटाने के लिए ऊपर आप क्या कर देंगे जीरो से मल्टीप्लाई जीरो का मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इट क्लियर 1 से आपका आ गया और 1 पीछे से 2 तो 0 इज इट क्लियर तो देयरफॉर नाउ टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स
टू बी पेंटेड, आपका नाम देखो दस होगा, ये इक्वल टू आपका नाम हंड्रेड, आपका आ गया दस। कोई शक, एनी डाउट? प्लीज। तो इसको टोटल नंबर या इसको आप और भी कह सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी। इंग्लिश हिट तो सब कुछ फिट, क्लियर है? फाइन। तो ये आपका नाम, तो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का था। क्या क्वेश्चन नंबर कौन सा है एनसीईआरटी का? एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो, मैंने कोई किताब नहीं देखी, लेकिन आपको दिखाई ये वाला है आपका। तो नंबर ऑफ ब्रिक इज इक्वल टोटल एरिया ओवर एरिया ऑफ वन ब्रिक, आपका नाउ ये आपका देखो। अब इन्होंने क्या किया यहाँ, यहीं इसी में पीछे पीछे आपका देखो नाउ, ये दिख रहे हैं आप, दिख रहा है आपको इसमें, ये देखो यहाँ इन्होंने क्या किया, जैसे हमने क्या किया टोटल सरफेस एरिया आपका नाउ जो है ये अलग से निकाल दिया। इन्होंने क्या किया यहाँ से सवाल को उठाया, ये देखो आपका नाउ। तो देखो कॉम्प्लिकेटेड कभी मत बनेंगे, इन्होंने जो यहाँ पे आपका देखो ना ये जो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपका निकले, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू आपका नाउ देखो दिस इज, तो टोटल सरफेस एरिया, सॉरी टोटल दैट इज एरिया, इन्होंने ये लिखा देखो टोटल एरिया ओवर आपका नाउ देखो एरिया ऑफ, आपका देखो एरिया ऑफ वन ब्रिक लिखा हुआ है इसमें, देखो आपका नाउ देखो दिस। तो मैंने दोनों देखो एरिया ऑफ ब्रिक टू बी पेंटेड मैंने लिखा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक दोनों में देख लीजिए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे सीधा सीधा आपका देखो 9.375 इंटू, ये तो ठीक है 100 इंटू 100 कर दिया, देखो दोनों में अंतर देख लीजिएगा स्कूल टीचर में, और ये देखो अब ये यहाँ यहाँ इसमें आपका ना देखो दिस 2LB प्लस BH और प्लस HL, आपने ये कॉम्प्लिकेशन यहाँ दिखा दे रहे हो, इससे बढ़िया आप इसमें क्लियर हो यहाँ पे इसको कर देते। तो ये था, ये थोड़ा सा समझिए इन चीजों को, और किसी चैनल में जरा दिखाओ ये देखो आप बता रहे, देखो ये बायजूस ने किया हुआ आपका देखो ना, दिस इज दैट जो अपने आपको वन ऑफ द बिगेस्ट आपका कहता है ये आपके आपके अनुसार है देखो ना, लेट एन ब्रिक्स कैन बी पेंटेड आउट, ये तो ये स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर ना आपका देखो ना, लेट एन ब्रिक्स कैन बी पेंटेड आउट बाय द पेंट, ये ठीक है आपका ना, तो एरिया ऑफ एन ब्रिक्स इज इक्वल टू आपका, ये भी ठीक है एन उन्होंने कर दिया ये ठीक है, लेकिन बिना फिगर के आप सवाल कर रहे हैं ये थोड़ा मुझे इतने बड़े आपका देखो, जब भी आप वॉल्यूम एंड सरफेस आप करते हैं तो आपका नाउ देखो दिस इज द, ये आपका बिल्कुल होना चाहिए, बस ये मेरे आपसे वो है। देखो अब यहाँ पे ये लीजिएगा दीजिएगा इनको, ये नंबर कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स को आपका होंगे, तो यहाँ पे ये इन्होंने एक चीज इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखी है कि नाउ लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स आपका नाउ देखो ये टू बी पेंटेड, कितनी पेंटेड करनी है ये इक्वल टू आपका नाउ एन आपका ए कर दी, ये इन्होंने बहुत अच्छा लिखा, बाकी फिगर नहीं है ये आपका, ये नंबर ऑफ ए हम यहां निकाल रहे हैं इसको, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स ये इन्होंने बिल्कुल सही लिखा, इसमें मैं आपका बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन बाकी फिगर नहीं है, बिना फिगर के कोई भी क्वेश्चन आपका वॉल्यूम एंड सरफेस में नहीं होना चाहिए। और कोई है इसके अलावा? देखिए जरा ये किसका है, क्यू मैथ का, अब आप देख लो, अब आप खुद ही देखिए ये, अगर आप क्यू मैथ का आप देख रहे हैं आपका ना देखो, तो इसमें और हमारे उसमें क्या अंतर आ रहा है आपको, ये जो दो आपने अभी कंपेयर किया भाई, ये जो आपने ये दो मुझे दिखा रहे हो इन दोनों में और हमारे उसमें क्या अंतर है, दोनों में क्या, इन दोनों के साथ बायजूस के साथ और आपने इसके साथ कंपेयर किया इस सवाल को, क्या अंतर है इनमें, ये तो आपको पता लग रहा हो। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे उसमें हमने TSA, क्योंकि अभी आप बिगनर्स हैं, बिगनर्स में हम पहले आपको TSA अलग से निकाल करके दिखाएंगे, इसका फ्रिक दिखाएंगे आपको, आपका इसका फिगर आपको दिखाएंगे, इन चीजों को देखिए आप, बाहर कोई भी चैनल कोई भी टीचर आपका नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब कि कोई भी जब इन सवालों को आपका यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा है तो दे मस्ट हैव टू बी आपका ना जस्ट ये बनाना चाहिए फिगर, ये किसका है,
की कौन सी वेबसाइट है, देखो चार पांच लाइन में खत्म है सब कुछ। अभी आपका देखो ये आप ये दिखा रहे हैं, देखो आपका नाम इतने में ये इन्होंने सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक निकाल करके दे दिया आपका नाम, फॉर्मूला भी कहीं नहीं लिखा इन्होंने, इन्होंने फॉर्मूला भी कहीं नहीं लिखा है, सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक आपका नाम देखो दिस, उसके बाद सीधा सीधा नंबर ऑफ ब्रिक्स विच कैन बी पेंटेड को डायरेक्ट इन्होंने जो है यहाँ ये वैल्यू रख करके इसमें ये नहीं समझाया है ट्रांजेक्शन में वन मीटर इज इक्वल आपका नाम जो मेजरमेंट है वो नहीं समझाई, एक दो तीन इन्होंने एक दो तीन लिख करके चार पांच लाइन में इन्होंने इसको खत्म कर दिया है, जो मेरे हिसाब से जो दो साल से आप कोरोना पीड़ित बच्चे हैं समझना बहुत मुश्किल है। तो कुल मिला के तीनों को कंपेयर कर लीजिएगा मेरे सीडलिंग के साथ, आपको क्या मिलता है शाम को कमेंट्स में लिख देना। थैंक यू वेरी मच, कल आपसे मुलाकात होती है, हैव अ नाइस नाइस इवनिंग टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।